Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग की, ठीक है। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई आज के इस मैच में आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम कैसे बना सकते हो, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है, आपके लिए क्या ट्रम्प कार्ड रह सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने खुद ने भी कुछ टीम्स बनाई हैं जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, तो उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी एक बात सुनो, अगर आपको आगे भी हमारी ऐसे ही ग्रैंड लीग की टीम्स का, ग्रैंड लीग की टिप्स का, साथ साथ स्मॉल लीग की टीम्स का गिव अवेज का ऐसे ही फ्री में फायदा उठाते रहना है, तो देखो यार एक छोटा सा काम है जो आपको कर लेना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ठीक है। कोई भी बड़ा काम नहीं है यार, 4 लाख से भी ज्यादा लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से एकदम फ्री में मैं प्रॉफिट करवा रहा हूं, तो आपका भी करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, इसीलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम और करना है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, देखते देखते वो जो लाइक का बटन आ रहा है ना उसे एक बार दबा देना, भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो 3000 लाइक का लाइक टारगेट है इस वीडियो पर, आपको कंप्लीट करना है। तो जिसने भी अभी तक नहीं किया हो, 1 सेकंड लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यकीन मानो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों देखो इस मैच की, तो ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है ये तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं देखो एक बार प्लेइंग 11 के बारे में, ठीक है। तो इंडिया की जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, और वही बात है यार दोस्तों, पूरे 11 खिलाड़ियों पे आपको नजर मारने की जरूरत नहीं है, और ये मतलब कंफर्म भी नहीं है प्लेइंग 11, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। एक तो ऋषभ पंत की जगह आपको कौन, दिनेश कार्तिक खेलते हुए दिख सकते हैं, उसके अलावा दीपक हुड्डा की जगह अक्षर पटेल आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, और दीपक चाहर भी फिट हैं, तो इनमें से किसी एक बॉलर को हटा के वो भी खेलते हुए दिख सकते हैं, है ना। वो ऑफिशियल अपडेट अभी तक अपने पास आई नहीं है, इसलिए मैंने कोई चेंजेस इनमें किए नहीं है, बाकी ये चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी सुबह वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें देखो अब हम बात करें ग्रैंड लीग के पिक्स की, तो ये जो स्टार मैंने लगा रखे ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और ओनली 2 ही प्लेयर के ऊपर लगाए हैं, क्यों? क्योंकि बाकी सबके सिलेक्शन परसेंट अच्छे खासे रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्टार वाले प्लेयर हैं ना, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके जो सिलेक्शन परसेंट है वो तो थोड़े कम रहेंगे, और इनके अंदर पोटेंशियल है ज्यादा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सूर्य कुमार यादव की, तो 4 मैच अभी तक एशिया कप में हो चुके हैं, हांगकांग के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, बाकी किसी भी मैच में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई जितना बड़ा इनका नाम है। तो डेफिनेटली इनको बहुत कम लोग सिलेक्ट करेंगे, और इस मैच में ये अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा ना कि यार जीतना ही जीतना है, क्योंकि एशिया कप का फाइनल तो ऑलरेडी तय हो चुका है, ये तो बाहर हो चुके हैं, तो एकदम फ्री माइंड से खेलेंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अर्षदीप सिंह, इन्होंने भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं की फर्स्ट मैच के बाद, तो इनके भी सिलेक्शन परसेंट थोड़े कम रहने वाले हैं, और ये भी आपकी टीम के लिए अच्छे पिक हैं, क्योंकि अर्षदीप सिंह को हम सब जानते हैं क्वालिटी बॉलर हैं, 1 नंबर बॉलिंग ये बंदा करता है। और बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ चेंजेस की, तो देखो अगर दिनेश कार्तिक आ भी जाते हैं तो हम उन्हें 1 या 2 टीम में रखेंगे ज्यादा से ज्यादा। उसके अलावा दोस्तों अक्षर पटेल अगर आ जाते हैं तो अक्षर पटेल ग्रैंड लीग के बहुत अच्छे पिक हो जाएंगे, क्योंकि वो बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग आने पे बैटिंग से भी पॉइंट दे देंगे, ठीक है। और उसके अलावा मान लो दीपक चाहर आ जाते हैं तो उनको भी हम 2-3 ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करने वाले हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आगे इस वीडियो में मैं आपको जो भी टीम्स दिखाने वाला हूं अपनी, वो अपनी फाइनल टीम्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है, जब तक टॉस नहीं होता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहेंगी, टॉस होने के बाद अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 भी आएगी, तो उनकी वजह से अपनी टीम्स में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो अपनी इन टीम्स में जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। तो बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, जिस भी भाई ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ज्वाइन कैसे करोगे? टेलीग्राम चैनल की जो ज्वाइनिंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करोगे, 2-3 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे चैनल से जुड़ जाओगे। 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर हमसे जुड़े हुए हैं, रेगुलरली हमारी टीम्स का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी जुड़ जाना, एकदम फ्री है, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, फाइनल अपडेट आपको वहीं मिलेगी। अभी जाकर जुड़ना चाहो अभी जाकर जुड़ो, इस वीडियो को खत्म करने के बाद जुड़ना चाहो बाद में जुड़ जाना, लेकिन आपका जुड़ना जरूरी है, ठीक है। और बात करें दोस्तों अफगानिस्तान की टीम की, तो वही बात है, प्लेइंग 11 आपके सामने है, कल रात को इन्होंने मैच खेला ना, तो मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा चेंजेस करेंगे। बाकी देखो इनकी टीम में अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकते हैं, तो वो अपने को टॉस के टाइम पे ही पता लगेंगे। फिलहाल दोस्तों अगर मैं बात करूं इनकी, तो देख लो यहां पर मैंने हजरतुल्ला जजाई के ऊपर लगाया है, नजीबुल्ला जतरन के ऊपर लगाया है, मोहम्मद नबी के ऊपर लगाया है, और फजल अक फारूकी और फरीद अहमद के ऊपर 1-1 स्टार लगाया, ठीक है। अब देखो 1-1 की बात करते हैं, हजरतुल्ला जजाई ओपनिंग करते हैं, पावर हिटर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, और रिसेंटली कोई बड़ी पारी नहीं खेली है, लेकिन स्टार्ट हर एक मैच में मिला है, मतलब 4 मैच खेले हर एक मैच में स्टार्ट मिला है, बस उस स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं किया है, तो कभी भी कर सकते हैं ध्यान रखना। और ये भी आज एकदम फ्री माइंड से खेलेंगे, इनके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान भी एशिया कप से बाहर हो चुकी है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नजीबुल्ला जतरन की, इनके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, डेथ ओवर में बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इनकी अगर मैं बात बताऊँ तो स्टार्टिंग के जो 2 मैच हुए थे उनमें कोई भी इन्हें आउट नहीं कर पाया था,
तीसरे मैच में रनआउट हो गए थे और चौथा मैच जो कल खेला था उसमें जो पिच था वो कुछ ज़्यादा ही स्लो था, इसलिए कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर नहीं पाए थे। इसलिए मैंने इनके ऊपर 2 स्टार लगाए हैं क्योंकि इनके भी सिलेक्शन परसेंट कम रहने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ मोहम्मद नबी की, तो इन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया आपको पता है, लेकिन दुबई का मैदान है और दुबई के मैदान में मोहम्मद नबी का जो रिकॉर्ड है वो ठीक ठाक है, इसीलिए मैंने इनके ऊपर 2 स्टार लगाए हैं। ये भी बैटिंग प्लस बॉलिंग के साथ पॉइंट दे सकते हैं। उसके अलावा इन दोनों के ऊपर 1-1 स्टार है क्योंकि इनके जो सिलेक्शन परसेंट है वो थोड़े से रह सकते हैं ज़्यादा, लेकिन दोनों के दोनों अच्छे बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म से बॉलिंग करेंगे और लेफ्ट आर्म की वजह से ही मैंने इन्हें 1 स्टार दिया है। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, इंडिया के जो बैट्समैन है वो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम के आगे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई है कुछ अफगानिस्तान के प्लेयर्स की। अब दोस्तों मैं आपको अपनी जो टीम्स बनाई हैं वो दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है फैंटेसी स्क्वाड, ठीक है। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया हो तो यार डाउनलोड कर लेना, इसकी जो डाउनलोडिंग का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन पर अलग क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन अभी उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जीतना आसान है। साथ ही साथ दोस्तों उस लिंक से आप डाउनलोड करोगे डिस्क्रिप्शन वाली से तो आपको 200 रुपये साइनअप बोनस भी मिल जाएंगे जिनका आप आराम से यूज़ करो। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, आप जब वहाँ पर अपना फर्स्ट टाइम डिपोजिट करोगे तो आपको 150 रुपये और मिल जाएंगे, ठीक है, और ये बोनस नहीं, ये रियल कैश होगा, इसको आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहो उस तरीके से यूज़ करो। साथ ही साथ दोस्तों आप जब यहाँ पर पहला मैच खेलने जाओगे तो उसमें एंट्री फीस भी आपकी कम लगेगी या फिर पहला कॉन्टेस्ट फ्री भी होगा, ठीक है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर गेम्स भी हैं तो इनमें भी खेल के आप रियल कैश प्राइज जीत सकते हो, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपको इसे डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बात करें दोस्तों अगर हम अपने कॉम्बिनेशन नंबर 1 की, ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन नंबर 1, तो वो आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी देखो कि मैंने क्या लगाई है, माइनर चेंजेज। मैंने क्या किया कि एक स्मॉल लीग की टीम बनाई, उसमें से कुछ बड़े प्लेयर्स को अपनी टीम से ड्रॉप किया, कुछ माइनर चेंजेज किए, कुछ एक तरीके से ट्रंप प्लेयर्स की तरह मैंने कुछ प्लेयर्स पिक किए और यह टीम बन गई, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले 11 प्लेयर देखो, इसमें आप ये देखने की कोशिश करो कि कौन से बड़े प्लेयर ड्रॉप हैं जो कि स्मॉल लीग की टीम में रहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक चीज़ आप नोटिस करो, केएल राहुल को अपनी टीम से ड्रॉप कर रखा है, उसके अलावा मैंने इब्राहिम जदरन को अपनी टीम से ड्रॉप कर रखा है, जिसको भी कम से कम 70% लोग अपनी टीम में रखेंगे। यहाँ से दोस्तों मेरे पास मोहम्मद नबी भी अपनी टीम में नहीं है और यहाँ से मेरे पास भुवनेश्वर कुमार भी अपनी टीम में नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बड़े प्लेयर हैं जो मैंने अपनी टीम से ड्रॉप कर दिए। इनकी जगह जो रिस्क की प्लेयर हैं वो मैंने कौन कौन से उठा लिया, एक तो फारूकी मैंने अपनी टीम में उठा रखा है, ठीक है, उसके अलावा अर्षदीप सिंह, इनके भी सिलेक्शन परसेंट थोड़े कम रहेंगे, ये भी अपनी टीम में उठा रखे हैं, ठीक है। सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी मैंने स्टार लगा रखा था तो इनको भी मैंने अपनी टीम में उठा रखा है, मतलब कि कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पर किए हैं, ठीक है। आप अगर खुद की तरफ से चेंजेस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। कैप्टन और वाइस कैप्टन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ इन 11 प्लेयर में, तो एक चीज ध्यान दो यहाँ पर, सबसे पहले मैंने यहाँ से केएल राहुल को ड्रॉप किया है, इसका मतलब है कि मैंने माना कि केएल राहुल उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगा। अब केएल राहुल का विकेट कौन लेगा, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं किया मतलब विकेट गया, विकेट लेगा कौन, तो विकेट लेने के लिए मेरे पास अलग फारूकी है जो कि पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करेंगे और मुजीबुर रहमान है जो कि पावर प्ले के अंदर 1-2 ओवर करते हैं, तो ध्यान रखना ये दोनों उनका विकेट निकाल सकते हैं, तो मैंने इन दोनों को अपनी टीम में रखा हुआ है। बाकी दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में अगर मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बताऊं तो आप रोहित शर्मा के साथ जा सकते हो, आप विराट कोहली के साथ जा सकते हो, उसके अलावा अगर आप जाना तो गुरबाज के साथ जा सकते हो, उन्होंने भी पिछले 4 में से 2 मैच में ठीक परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। तो ये कुछ आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज हैं, और अगर मान लो कि हार्दिक पांड्या भी ठीक चॉइस है, और उसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर जो पिच है वो स्पिनर को सपोर्ट करता है और फाइनल पिच रिपोर्ट अपने पास टॉस के टाइम पे आएगी, मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। अगर पिच रिपोर्ट आदि भाई स्पिनर को सपोर्ट है तो फिर राशिद खान भी आपके लिए ठीक चॉइस है, ठीक है। तो ये जो भी मैंने आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेज बताए हैं, एक काम करना गुरबाज को इस कॉम्बिनेशन से इग्नोर कर देना, इन चारों को मान लो, और ये जो भी कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने आपको बताए हैं इनको रोटेट करो और आराम से कितने कम से कम भी 3 टीम आप इस कॉम्बिनेशन से बनाओ, ठीक है। आप कॉम्बिनेशन बनाना आपको आता होगा, मैंने इतनी बार बता दिया, सेम 11 प्लेयर आपको लगाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लो कैप्टन और वाइस कैप्टन, फिर आपको सेम 11 या फिर इनमें से 10 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, एक आप अपनी तरफ से चेंज कर सकते हो और वो ज्यादा सही रहेगा, खुद की तरफ से चेंज करना एक प्लेयर, ठीक है। और उसके बाद मान लो कि कैप्टन इनको बना दिया, वाइस कैप्टन इन्हें, या फिर कैप्टन इन्हें, वाइस कैप्टन इन्हें, मतलब जो भी है, 1-2 चेंजेस करके आप कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करके इस कॉम्बिनेशन से कम भी 3 टीम आपको बनानी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं अपने कॉम्बिनेशन नंबर 2 की, तो वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। इसमें देखो मैंने क्या क्या रखा हुआ है, सबसे पहले तो स्ट्रेटजी है कि इंडिया के टॉप 3 चल गए, ये मैंने माना है। और अगर दोस्तों टॉप 3 चल गए तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल तीनों जो हैं वो मेरी टीम में आ गए हैं। अब वही बात है यार, देखो तीनों चल रहे हैं, इसका मतलब कि अपना विकेट नहीं खोया जल्दी, और अगर अपना विकेट नहीं खोला है तो इनके जो पावर प्ले के बॉलर हैं फजल फारूकी वगैरह, मुजीबुर रहमान वगैरह, उनको मैंने अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मुजीबुर रहमान मिडल में भी बॉलिंग करते हैं और पावर प्ले के अंदर भी 1-2 ओवर लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो उनको मैंने अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया। उसके अलावा मैंने कुछ 1-2 चेंज कर लिए, जैसे कि इस बार मैंने इब्राहिम जदरन को अपनी टीम में ट्राई कर लिया, उसके अलावा मैंने यहाँ से मोहम्मद नबी को भी अपनी टीम में रख लिया यहाँ से, क्योंकि इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है ना,
एंड ऑफकोर्स उसके अलावा आप देख लो यहाँ से अश्विना मेरे पास, चहल मेरे पास पहले भी थे, तो मतलब कुछ माइनर मैंने चेंजेस कर लिए हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे हजरतुल्ला जजाई मेरी टीम में नहीं है, इसका मतलब है कि मैंने माना है कि उनका विकेट जल्दी गिर गया और उनका विकेट लेने के लिए मेरे पास अर्शदीप सिंह है जो कि पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करके मैंने कुछ ये सेकेंड कॉम्बिनेशन बना लिया। इसमें दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब मैंने माना है कि अगर टॉप थ्री अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो टॉप थ्री में आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, इनको रोटेट करो और आराम से दो टीम कम से कम भी इस कॉम्बिनेशन से भी आपको बनानी। ठीक है, तो ये हो गया अपना दोस्तों कॉम्बिनेशन नंबर दो। बात करें अगर हम अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, तो सबसे पहले तो वही बात है, स्ट्रेटेजी देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो ओपनर है ना वो जल्दी चले गए, इंडिया टीम के जो ओपनर है वो जल्दी जा सकते हैं, ऑफकोर्स अपना विकेट दे सकते हैं। केएल राहुल तो वैसे भी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है और रोहित शर्मा भी क्या पता गलत शॉट के चक्कर में जल्दी आउट हो जाए, तो मैंने क्या किया कि उनको अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया, दोनों ओपनर मेरी टीम में नहीं है। और उसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर है उनको मैंने अपनी टीम में उठा लिया, नंबर तीन पर बैटिंग करने वाले, नंबर चार पर और नंबर पांच और छह पर बैटिंग करने वाले जो बैट्समैन है वो मेरी टीम में आ गए। इस बार आप देख रहे होंगे कि ऋषभ पंत भी अपनी टीम में आ गए, अगर ऋषभ पंत की जगह जैसे मान लो कि दिनेश कार्तिक खेलते हैं तो दिनेश कार्तिक आ जाएंगे। ठीक है, वो एक सिमिलर चांस तो हो ही जाएगा, बाकी इस बार आ गए एक आधी टीम में ही आ जाएंगे, उसके बाद सारी टीम से ड्रॉप कर देंगे अपन। ठीक है, तो ये कुछ अपना ये हो जाता है। देखो यार, जो भी टीम मैं आपको बना के दिखाता हूँ ना ग्रैंड लीग की, आपको ये मैं ज़्यादा टीम्स नहीं बताता, लेकिन इनको बनाने में कम से कम भी दो से तीन घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हर एक टीम के पीछे एक लॉजिक होता है, हर एक प्लेयर को उठाने का एक रीज़न होता है। कोई भी एक भी प्लेयर आपको इनमें ऐसा नहीं देखेगा जो तुक्के से उठाया गया हो, हर एक प्लेयर का एक रीज़न है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपका भी थोड़ा माइंड जो है वो अच्छे से ओपन हो जा रहा है, आप खुद भी अपनी ग्रैंड लीग की टीम्स बना पाओ। ठीक है, तो देख लो इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, यहां से मैंने इन तीनों को रखा हुआ है। सबसे पहली बात, ओपनिंग करेंगे नंबर तीन पर बैटिंग करेंगे, इसका मतलब है कि मैंने वही चीज मान ली कि भाई इन्होंने अपना विकेट जल्दी नहीं खोया। अब जल्दी नहीं खोया यानी कि पावर प्ले के अंदर नहीं खोया यानी कि भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह दोनों को अपना विकेट नहीं दिया और दोनों मेरी टीम में नहीं है। ठीक है, उसके अलावा मिडिल में इन्होंने विकेट खोए, तो मिडिल में विकेट लेने के लिए मैंने इनको रखा हुआ है, ये प्लस बैटिंग प्लस बॉलिंग के लिए मैंने रखा ही हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ अपने हो जाते हैं। इसमें दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन मैंने माना कि ओपनर फेल हो गए, मिडिल ऑर्डर चल गया, तो मिडिल ऑर्डर को आप आराम से अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। एक तो ये तीनों हो गए, उसके अलावा इन तीनों में से अगर किसी को बनाना चाहूँ तो गुरबाज को इस टीम में कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चार कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेज मैं आपको इस कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ। इसमें वही बात है, आप आराम से रोटेट करो और कम से कम भी तीन टीम आपको इस कॉम्बिनेशन से भी बनानी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कॉम्बिनेशन थ्री। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रोवो के बारे में। एक ओपिनियन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको टीम नहीं बनानी होती, यहाँ पर आपको अपना ओपिनियन देना होता है यस या नो में। ठीक है, जैसे आज का मैच है, बहुत सारे सवाल आपको प्रोवो पर मिल जाएंगे, जैसे कि इंडिया जीतेगा कि नहीं जीतेगा, रवि बिश्नोई प्लेइंग 11 में खेलेगा कि नहीं खेलेगा, ठीक है, मतलब दिनेश कार्तिक प्लेइंग 11 में खेलेगा कि नहीं खेलेगा, बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे जिसमें यस या नो पे आप अपना जवाब दे सकते हो और रियल कैश जीत सकते हो। तो प्रोवो की डाउनलोडिंग भी दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक से डाउनलोड करोगे तो ₹50 भी मिल जाएंगे जो कि फुल्ली यूजेबल है, आप आराम से उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, भी डाउनलोडिंग मैंने आपको बता दिया नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में। बात करें दोस्तों अगर हम अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, तो सबसे पहले वही बात है कि स्ट्रेटजी देखो, आप टीम मत देखो, नहीं टीम नहीं पहले स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको जब भी ग्रैंड लीग की टीम बनानी है पहले एक सिनेरियो सोचना है, पहले टीम नहीं बनानी है कि यार ऐसा क्या मैच में हो सकता है, क्या अगर मैच ऐसा हो सकता है तो उसके हिसाब से मेरी कैसी टीम बनेगी। ठीक है, तो मैंने माना कि भाई हार्दिक फ्लॉप हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है यार, क्योंकि पिछले कई मैच से हो ही रहा है, कोई खास परफॉर्मेंस तो कर ही नहीं रहा है ना, पहले मैच के बाद ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन हार्दिक के फिर भी सिलेक्शन परसेंट कितने 80% से भी ज्यादा रहे। तो मैंने क्या किया कि इस कॉम्बिनेशन से हार्दिक को अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया, और अगर हार्दिक फेल हो गया एक बार वापस तो आप खुद सोचो जिन 80% लोगों ने अपनी टीम में हार्दिक को रखा हुआ है उनसे तो ऊपर आ जाएगी कि अपनी टीम आराम से, है ना, तो वही अपने को करना है। इसमें मैंने हार्दिक को अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया, बाकी सारे प्लेयर आप देख सकते हो, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है। ठीक है, यहां से मैंने एक बार वापस केएल राहुल को ड्रॉप किया है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि रोहित शर्मा को ड्रॉप कर सकते हो और केएल राहुल उठा सकते हो, वो एक आधा चांस देखो यार आपको खुद की तरफ से भी करना पड़ेगा, अगर डिट्टो की डिट्टो टीम चाहो तो वही मजा नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें देख लो मैंने केएल राहुल का विकेट लेने के लिए इस बार ओनली मुजीबुर रहमान को रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया पावर प्ले के अंदर एक या दो ओवर ये बंदा करता है। उसके अलावा देख लो सारे प्लेयर, मोहम्मद नबी को मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है, इब्राहिम जदरन को रखा हुआ है, रहमानुल्लाह गुरबाज को रखा हुआ है, आप इब्राहिम जदरन को ड्रॉप करके नजीबुल्ला जदरन को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, और बाकी जो सारे प्लेयर हैं वो आप अपनी टीम में देख लो। यहाँ से मैंने हजरतुल्ला जजाई को अपनी टीम से ड्रॉप किया है, इसका मतलब है कि पावर प्ले के अंदर विकेट गया मतलब कि स्टार्टिंग में भुवनेश्वर कुमार ने मान लिया कि विकेट ले लिया, और उसके अलावा मिडिल ऑर्डर के भी बैट्समैन इनके मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो मिडिल में भी बॉलिंग करने के लिए मेरे पास चहल और अश्विन मैंने अपनी टीम में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये करके कुछ मेरा ये कॉम्बिनेशन बन गया। इसमें दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो आप बना सकते हो किसको, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, उसके अलावा अगर आप किसी के साथ जाना चाहो तो एक टीम में मोहम्मद नबी को भी यार ट्राई करना, मैं तो बोलता हूँ वाइस कैप्टन ही ट्राई कर लेना, कैप्टन नहीं भी करो लेकिन ट्राई करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी के साथ जाना चाहो
तो देख लेना वो पिच रिपोर्ट के हिसाब से आप किसी बॉलर को बनाना चाहो तो पिच रिपोर्ट अगर फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है भुवनेश्वर को, अगर स्पिनर को सपोर्ट करती है तो चहल या अश्विन को, ठीक है। और वही बात है, इनको रोटेट करो कैप्टन वाइस कैप्टन को और आराम से आपको 2 से 3 टीम इस कॉम्बिनेशन से भी बनानी है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी देखो कि स्ट्रेटेजी क्या बनाई है इसमें लिए। मैंने माना कि इंडिया के टॉप 4 ने अच्छी परफॉर्मेंस की, 4 लोग जो टॉप 4 हैं उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, तो मैंने इंडिया के टॉप 4 रख लिए। ओपनिंग करेंगे नंबर 3 पर बैटिंग, नंबर 4 पर बैटिंग, ठीक है। तो इन चारों को मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है। अब वही बात है यार, चारों मेरे को चाहिए कि अच्छी परफॉर्मेंस करने। वो अच्छी परफॉर्मेंस कब करेंगे, पहली बात तो जब अपना विकेट स्टार्टिंग के पहले ओवर में ही नहीं दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये अपना विकेट देने चाहिए तभी चौथे नंबर पर जो बैट करेगा उसकी बैटिंग आएगी, ठीक है। विकेट कब जाना चाहिए, जैसे कि मान लो पहला जो विकेट है वो 7वें 8वें ओवर में चला गया, फिर दूसरा विकेट मान लो कि 13वें 14वें ओवर में चला गया, तब जाके चारों की बैटिंग आएगी और तब जाके चारों अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ये वाली टीम बनाई है। यहाँ पे मेरे को गुरबाज को रखना ही था, उसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस है ही नहीं। यहाँ से देख लो हार्दिक पांड्या को मैंने इनकी बॉलिंग की वजह से रखा हुआ है, आप चाहो तो ड्रॉप करके एक प्रॉपर बॉलर भी ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मोहम्मद नबी है मेरे पास जो कि मिडिल ओवर में बॉलिंग करेंगे और 7वें 8वें ओवर में या फिर 13वें 14वें ओवर में एक विकेट निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम काम जाता है राशिद खान के अगेंस्ट। और मुजीबुर रहमान दोस्तों पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं लेकिन 1 या 2 ओवर करते हैं, बचे हुए 1-2 ओवर ये मिडिल में ही करते हैं, तो उसमें मैंने माना है कि इन्होंने विकेट निकाल लिया। बाकी जो प्लेयर आप देख लो, मैंने यहाँ से एक तो हजरतुल्ला जजाई को भी ड्रॉप किया, इब्राहिम जतरन को भी ड्रॉप किया, ठीक है। तो उन सबका विकेट लेने के लिए मेरे पास अर्षदीप सिंह है, युजवेंद्र चहल है, आप चाहो तो भूवी को भी अपनी टीम में रख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ हो जाता है अपना कॉम्बिनेशन नंबर 5। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन इन चारों में से आपको बनाने, जिसमें से टॉप 3 के साथ चले जाओ या तो 1, 2, 3 और आप जाना चाहो तो अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी के साथ, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेज। रोटेट करो आराम से, 2-3 टीम आपको इस कॉम्बिनेशन से भी बनानी है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने कॉम्बिनेशन नंबर 6, तो सबसे पहले तो दोस्तों स्ट्रेटेजी चेक कर लो मैंने क्या माना है। तो यार इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए मैंने माना है कि क्या पता विराट कोहली इस बार जल्दी आउट हो जाए, हो सकता है ना यार पिछले मैच पे 0 पे आउट हो गए थे, हो सकता है इस मैच में भी हो जाए। हालांकि मैं मानता हूं कि उससे पहले कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस की थी इन्होंने 2-3 मैच के लिए, लेकिन यार है तो एक खिलाड़ी, जल्दी आउट हो सकता है, ठीक है। और आप खुद सोचो विराट कोहली को कम से कम भी 80 से 90% लोग अपनी टीम में ट्राई करने वाले हैं, और अगर इस मैच में वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो अपनी जो टीम है वो 80 से 90% लोगों से ऊपर अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो रिस्क लेना बनता है यार, ग्रैंड लीग की टीम है, हम रिस्क लेते हैं तभी हमारी टीम ऊपर आती है। अगर आप चाहो कि सेफ टीम के साथ मैं ग्रैंड लीग जीत जाऊँ तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने इस टीम से विराट कोहली को अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया, और बाकी जो प्लेयर हैं आप देख लो रोहित शर्मा, केएल राहुल, उसके बाद मान लो कि 1 विकेट गिरा विराट कोहली आए, दूसरा विकेट तुरंत गिर गया विराट कोहली चले गए और सूर्य कुमार आ गए, उसके अलावा हार्दिक पांड्या आ गए उसके बाद, ठीक है। तो ये चारों को मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है जो कि बैटिंग के साथ और हार्दिक पांड्या बॉलिंग के साथ भी योगदान दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बैट्समैन आप देख लो, सबसे पहले तो मैंने माना है कि विराट कोहली आउट हो गए। मैंने कब माना है विराट कोहली आउट कब होंगे, मैंने देखो यहाँ पे रोहित शर्मा भी रखा हुआ है और केएल राहुल भी रखा हुआ है, मतलब कि स्टार्टिंग में तो आउट नहीं हो रहे, कम से कम भी ये दोनों खेलेंगे 7-8 ओवर, उसके बाद 1 विकेट गिरेगा, उसके बाद विराट कोहली आएंगे, उसके बाद दूसरा विकेट गिरेगा, ठीक है। तो मैंने ये माना है, तो मिडिल ओवर में बॉलिंग करने के लिए मेरे पास मोहम्मद नबी है, साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर राशिद खान है, और फरीद मलिक को मैंने एक तरीके से रखा हुआ है कि डेथ में विकेट निकाल ले, क्या पता इंडिया की टीम पैनिक करने के लिए जानी जाती है तो लास्ट के ओवर में विकेट ज़्यादा देती है, तो लास्ट के ओवर में ये विकेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनको मैंने अपनी टीम में ट्राई कर लिया। बाकी जो है आप देख लो, सारे प्लेयर आपकी स्क्रीन के सामने हैं, गुरबाज हैं और जजाई हैं, इन दोनों को मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है। तो मैंने भुवनेश्वर कुमार को अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया और युजवेंद्र चहल को मिडिल ओवर के लिए रखा हुआ है। कैप्टन और वाइस कैप्टन की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो हार्दिक पांड्या अच्छी चॉइस है, उसके अलावा रोहित शर्मा अच्छी चॉइस है, और केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव वगैरह को आप बना सकते हो, ठीक है। तो वही बात है, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन को आप रोटेट करो और कम से कम भी 2-3 टीम आपको इस कॉम्बिनेशन से भी बनानी है। बात करें दोस्तों अगर हम अपने लास्ट कॉम्बिनेशन की, तो ये एक बोनस टीम है जो मैंने आपके लिए बनाई है। इसमें देख लो मैंने क्या क्या रखा हुआ है। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने ऊपर से गुरबाज रख लिया, जो कि ऑफकोर्स सेंसिबल है कि पंत या गुरबाज में से किसी को अगर पिक करना हो तो एक बार गुरबाज ही करेंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट मैंने रोहित शर्मा रखा हुआ है, यहाँ से विराट कोहली रखा हुआ है और सूर्य कुमार यादव रखा है। यहाँ से मैंने केएल राहुल को इसलिए ड्रॉप कर दिया कि भाई रिसेंटली बंदा इंजरी से आ रहा है, कोई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इस एशिया कप में इन्होंने की नहीं है, तो क्या पता इस मैच में भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो मैंने उन्हें अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और उनका विकेट लेने के लिए मेरे पास फरीद मलिक है, जो कि पावर प्ले में मतलब करते हैं बॉलिंग एक ओवर और डेथ में ज्यादा करते हैं, बाकी उनका विकेट ये ले सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करूं तो मोहम्मद नबी मैंने रखा हुआ है, जो कि एक अच्छे प्लेयर हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर दुबई के मैदान में इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो मैंने उनको रख लिया। हार्दिक पांड्या जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग साथ मेरे को पॉइंट दे सकते हैं, उनको रख लिया। फिर यहाँ से मेरे पास रविचंद्र अश्विन जो कोई बैटिंग प्लस बॉलिंग साथ पॉइंट दे सकते हैं, युजवेंद्र चहल हैं और अर्षदीप सिंह है, आप चाहो तो भुवनेश्वर कुमार को ट्राई कर सकते हो, राशिद खान मेरी टीम में। यहाँ से आप देखोगे मुजीबुर रहमान मैंने अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया, थोड़ा सा रिस्क मेरे को लेना था तो किसी ना किसी को तो ड्रॉप करना बनता था, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने ये बोनस टीम आप लोगों के लिए बनाई है। इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन में आपको बताऊँ
तो वापस विराट कोहली एक अच्छे चॉइस है। इस बार रोहित शर्मा को रहने देना, रोहित शर्मा को हम ऑलरेडी बहुत सारी टीम्स में बना चुके हैं। हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन ट्राई करना है, कैप्टन नहीं करना। उसके अलावा मोहम्मद नबी को भी वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो, और पिच रिपोर्ट के हिसाब से राशिद खान को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो पिच रिपोर्ट के हिसाब से, अगर स्पिनर को सपोर्ट मिलता है तभी, अगर नहीं मिलता है तो फिर राशिद खान को हम इग्नोर कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हो जाते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस, और इस कॉम्बिनेशन से भी आपको कितनी 2-3 टीम आराम से बना लेनी। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितने भी कॉम्बिनेशन बनाए हैं उन हर एक कॉम्बिनेशन में आपको 2-3 टीम बनानी है, और उन 2-3 टीम अगर आप बनाओगे तो आपके लगभग 20-21 टीम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इतनी टीम तैयार हो गई फिर आप जितनी भी टीम अपनी यूज करते हो, चाहे 10 लगाते हो चाहे 15 लगाते हो, तो उनमें से चूज करके आप लगा सकते हो। ठीक है, और बाकी खुद की तरफ से भी चेंजेस करना, और मैंने आपको बता दिया फाइनल तो है नहीं, फाइनल आपको जो भी अपडेट्स होंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।